आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताएं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। गांव, गरीबों, जरूरतमंदों, पिछड़ों और दलितों के लिए काम, तो ये तो स्वाभाविक गठबंधन, हम लोग साथ ही रहे हैं भारतीय क्रांति दल के जमाने से, भारतीय लोक दल के जमाने से। ये सारे एक विचार के लोग हैं, एक साथ के लोग हैं। और जो समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके लिए ये बहुत जरूरी था। क्या समीकरण है बैक यूपी का? हर जात का किसान इस गठबंधन के साथ रहे। तो कहीं ये किसान आंदोलन की वजह से गठबंधन हुआ है? पहले भी किसान आंदोलन जब नहीं था तब भी गठबंधन रालोक से हुआ था लोकसभा के चुनाव में। तो कहीं अखिलेश जी चौधरी चरण सिंह की विरासत को भुनाने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं? कहीं इस नज़रिए से तो गठबंधन नहीं हुआ? जब अखिलेश जी और जयंत सिंह के विचार एक हैं तो विरासत तो उनकी अपने आप नहीं, है। पहले भी विचार थे, पहले जा रही है, वो आप ये किस नज़रिए से देखते हैं? इससे बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक किसी पार्टी की यह रैली नहीं थी, रैला था। कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस पर हजारों हजारों लोग नच रहे थे और ग्राउंड के चारों तरफ अपार भीड़ थी। और उस भीड़ को देखकर शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इससे सफल रैली कोई नहीं हो सकती। मिशन 2012 में इसके क्या परिणाम दिखाई देंगे? 22 में मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत सिंह मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा। भारी बहुमत से सरकार बनेगी और मेरठ में ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे गाजीपुर हो चाहे गोरखपुर हो और जहाँ भी रैली हो रही है वो ऐतिहासिक रैली होगी। जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में खदेड़ा होगा, इन्हें खदेड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा और इसकी नींव 2024 में इन्हें उखाड़ने के लिए रखी जा रही है। इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा इस रैली का? पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे 5 राज्यों में जो विधानसभा हो रही है वह जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ हवा चल रही है, जोरदार बयार बह रही है। तो लोकदल से ही क्यों गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने? लोकदल किसान मजदूर गांव देहात की पार्टी है। लगातार श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में लोकदल हमेशा किसानों की बात देश और प्रदेश स्तर पर उठाता रहा। समाजवादी पार्टी भी कमजोर वर्गों के लिए काम करती है, लोकतांत्रिक शक्तियों को एक जगह करने का गठबंधन था, रोकने का गठबंधन है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और लूट और भ्रष्टाचार कर रही है उसको रोकने का गठबंधन था। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, रोजगार मिला क्या? लोग महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जीवन दुभर हो गया लोगों का, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे रसोई गैस। रसोई गैस से तो सारे लोग प्रभावित होते हैं, पूरा गांव का जनमानस प्रभावित होता है, उसके दाम आसमान छू गए। तो इसलिए ये गठबंधन, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, किसान के ऊपर जीप चढ़ा दी जाती है इस सरकार, जो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में धरना देने का प्रदर्शन करने का अधिकार है
अपनी मांग मानने का अधिकार है। और क्या हुआ लखनऊ में? लाठी और डंडे से लहू लुहान कर दिया सत्याग्रही। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। जनता समझ गई है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन चाहे प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, का कभी बर्दाश्त नहीं। इनसे ज़्यादा ताकतवर सरकारों को इस जनता ने उखाड़ फेंका। प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी से खतरा बताया है, तो ये इशारा किसकी तरफ किया है? प्रधानमंत्री जी तो भारत के सर्वोच्च पद पर हैं, वो उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे। लोग ये भी कह सकते हैं कि इस देश को सैकड़ों साल से काली टोपी से खतरा है, लेकिन लोग प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रधानमंत्री का सकते हैं। और लाल रंग तो क्रांति का प्रतीक है, क्रांति बदलाव को कहती है, सड़ी गली व्यवस्था को बदलना क्रांति है। सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने क्रांति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। विचार की शान पर तेज होती है क्रांति, और उसका प्रतीक लाल रंग। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि क्रांति का प्रतीक लाल रंग, और समाजवादी पार्टी भी क्रांति की प्रतीक है, बदलाव परिवर्तन के लिए संकल्प भी रखा है, और आपको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी, उखाड़ने का काम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.